तो भाई अंबाला के फेमस छोले कुलचे बहुत सही होता है। अरे पकड़, अरे पार्सल निकाल के फेंक दो जल्दी से। तो भाई गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगा कर रुकी है और ये धुंध देखो एक बार भाई, मतलब दिल्ली में भी इतनी ज्यादा धुंध नहीं थी। कितना ज्यादा फॉग है भाई सोचो, और अलग ही मजा है भाई। और भाई इतनी ज्यादा ठंड है क्या बताऊं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। मेरे लुक को देख के गेस कर ही लिया होगा ना कि आज मैं दिल्ली में उतने ठंड वाले कपड़े पहने। और यार अभी टाइम पता क्या हो रहा है, लगभग 11:30 या 12:30 क्या कुछ तो हो रहा है और इतनी ठंड हो रही है ना, मतलब ये जैकेट के ऊपर पहनने का मन कर रहा है और मफलर पहना क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है। आज की यात्रा हम दिल्ली से लेकर अमृतसर तक करने वाले हैं। ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रेन पे व्लॉग नहीं बना रहा मैं, रूट पे व्लॉग बना रहा हूँ कि दिल्ली से अमृतसर अगर आप जाते हो तो कैसे कैसे आपको खाने पीने की सुविधाएं मिलती है, स्टेशन कौन से आते हैं, सब चीज़ डिटेल में आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले चलते हैं द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से आपको पूरा मैं ना यहाँ से सफ़र दिखाऊंगा मेरा अमृतसर तक कैसा होता है। बाकी ठंड के दिन आ चुके हैं और दिन में अभी टेम्परेचर हो रहा है लगभग 12 या 11 के अराउंड, बहुत ही ठंडा है और रात को तो इतना कोहरा होता है ना मैं क्या ही बताऊं। सो भाई चलते हैं अभी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाना है। तो भाई इस एयरपोर्ट मेट्रो में चलते हैं और ये हमें लेके जाएगी न्यू दिल्ली। भाई ये जो हाईवे ये सीधा न्यू दिल्ली ही जाता है और हम भी न्यू दिल्ली ही जा रहे हैं। बाकी ये सब आर्मी एरिया है, कितना साफ सुथरा रोड सा देखो, कुछ गंदगी नहीं है, रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। आ चुके हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन जाना है अभी और अपनी गाड़ी है सचखंड एक्सप्रेस क्योंकि 3:30 घंटा लेटर भाई। येलो लाइन के लिए यहाँ से रूट जाता है और एयरपोर्ट लाइन के लिए, और अभी हम जाएंगे ऊपर यानी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। बाकी एयरपोर्ट के लिए आप यहाँ से बैग चेक इन की भी सुविधा यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल है। पीछे है न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन यानी कि येलो लाइन का भी है और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का भी, और ये सामने जो है ना आपको स्काई वॉक दिख रहा है। सो इस स्काई वॉक से हम चलेंगे सीधा रेलवे स्टेशन के अंदर, एंट्री मिल जाएगी। और ये अपना न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, कितना सही लग रहा है देखो, बीच में तिरंगा अपना, और इसी स्काई वॉक से हम जाएंगे अंदर। सो भाई ये है न्यू दिल्ली का स्काई वॉक, इसी स्काई वॉक से सीधा आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको बर्गर किंग वगैरह मिल जाएगा। सो मेट्रो से आया था और यहाँ से सीधा एंट्री मिल जाएगी हमें। सो भाई ये रहा नीचे सारा क्राउड और यहाँ से एंट्री होती है। नॉर्मली आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में ना यही से एंट्री देखी होगी, अजमेरी गेट साइड या पहाड़गंज साइड, और पहली बार मैं व्लॉग में आपको इस साइड की एंट्री दिखा रहा हूँ। सो भाई अभी IRCTC एग्जीक्यूटिव लाउंज में देखेंगे, ट्रैवलर्स एग्जीक्यूटिव लाउंज, फ्री वाईफाई 24/7 ओपन रहता है ये लाउंज, उसकी सुविधा आपको दिखाता हूँ और प्राइजेस एंड कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं अंदर चलकर। बाकी रेट्स वेट्स पूछते हैं अभी, और अपने पास IRCTC वाला भी कार्ड है तो उससे हमें लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। सो भाई ये है ऊपर का फर्स्ट फ्लोर एग्जीक्यूटिव लाउंज का, और ये सोफ़ा सीटिंग मिल जाएगी और अपना यहाँ पर है, मेरे हिसाब से यहीं पे बैठ सकते हैं हम। और ये है फिलहाल ऐसी सीटिंग। भाई यहाँ पे देखो कितनी सही चीज़ करते हैं लोग, लंगर सेवा मिलेगी आपको इस ट्रेन में, बहुत ही मस्त, बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी है देख के कि आपको लंगर सेवा मिलेगी सचखंड एक्सप्रेस के लिए, बहुत ही बढ़िया। आपने देखा होगा ये लंगर प्रसादा की सेवा होती है सचखंड एक्सप्रेस में, सच में यार हैट्स ऑफ है। सो भाई ये है हमारा कोच बिफोर, अंदर चलते हैं। सो भाई ये सीट है मेरी, फिलहाल साइड लोअर मिल चुकी है और एकदम दरवाजे के साइड वाली। सो भाई कुछ आपको ना शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने रूट के बारे में। हम निकलेंगे अभी नई दिल्ली से और गाड़ी फिलहाल 3 या 4 घंटे की देरी से चल रही है। गाड़ी को आना था यहाँ पे 1 बजे, गाड़ी आ चुकी है 4 बजे के अराउंड, और हमारा रूट होगा अभी यहाँ से करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत, अम्बाला कैंट, जलंधर, बाद में मतलब ये सब स्टेशन होते हुए हम पहुँचेंगे अमृतसर। मेरे हिसाब से रात को हम 11 या 12 के अराउंड पहुँचेंगे, देखते हैं अभी कब पहुँचने वाले अमृतसर। तो भाई फिलहाल 3.5 घंटे की देरी के साथ नई दिल्ली से प्रस्थान हो चुका है हमारा, देखते हैं कितना कवर कर पाती है गाड़ी, कितना नहीं कर पाती। सारी भीड़ है बहुत ही ज़्यादा और फॉग के कारण सब गाड़ियाँ लेट चल रही है, बट लेट्स सी कितना कवर हो जाता है।
ये नई दिल्ली का इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड है, यहाँ पर सब देखो मैक्सिमम आपको P7 P5 उसके बाद कुछ लिवरी वाला WAP7 देखने को मिल जाएंगे। और निकल चुके फिलहाल दिल्ली से, निकल चुके हैं। और ये विंडो बहुत ही गंदी विंडो मिली है भाई, साफ़ सुथरी विंडो ही नहीं मिली। तो भाई इस वेस्ट थाली में ये भी पूरा गायब है, पता नहीं राइस कैसे है, मेरे को राइस पुराने लग रहे हैं, कब का ये मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है। और इसमें कुछ तो ये देखो पूरा पानी पानी वाली सब्जी दी है उन लोगों ने, ये कैसे खाए पाएंगे बताओ। इसमें से अलग सा स्मेल आ रहा है भाई, दाल दाल भी पानी पानी, दाल चलो ठीक है, राइस भी ऐसा ही है, क्या है समझ नहीं आ रहा। और ये रोटियाँ है, कंप्लेंट की है मैंने, अभी देखते हैं। भाई अभी हम पानीपत जंक्शन पहुंच रहे हैं, भाई अभी हरियाणा में एंटर हो चुके हैं और पानीपत जंक्शन में अपना ऑफिशियल हॉल्ट है। बट ऑफिशियल हॉल्ट लगभग 3 या 4 घंटे पहले था, बट गाड़ी लेट चल रही है और पैंट्री में बहुत ही ज़्यादा करप्शन चल रहा है। पैंट्री का खाना इतना डेंजर, इतना घटिया है कि खाकर मेरे को दिक्कत हो रही है। बाकी अभी पानीपत स्टेशन पे ना गरम गरम दूध वाली प्रॉपर चाय मिली है, क्योंकि पैंट्री की तो आपको पता ही है कैसी होती है। बाकी बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, पानीपत से ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। वैसे तो दिल्ली में भी ठंड बहुत थी, बट अभी जैसे हम अमृतसर के साइड जाएंगे ना और ज़्यादा ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। 150 रुपये उस थाली के लिए वर्थ बिल्कुल नहीं थे, मतलब 10-20 रुपये के भी थाली नहीं थे, वो इतना गंदा था पानी पानी सारा। देखते हैं क्या होता है, आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। बाकी सिग्नल मेरे हिसाब से भी हो चुका है चलने का, क्योंकि गाड़ी लेट चल रही है। आज अभी कुरुक्षेत्र जा चुका है और स्टेशन बहुत ही सुंदर लग रहा, देखो महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र। इसके बाद अभी अम्बाला कैंट में अपना स्टॉप होगा। है अंबाला कैंट यानी कि अंबाला छावनी में आगमन हो चुका है। गरम गरम कुछ तो मिल रहा है, पहले खाने को देखते हैं। छोले कुलचे लगा दो, कितने का है? 45। और यहाँ से ना चंडीगढ़ के लिए लाइन कट जाती है और हम लुधियाना वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। वही ये है हमारे छोले कुलचे, अंबाला का फेमस, ने खाए थे बट आज ठंड में खाने का मौका मिला। देखो बहुत टेस्टी होते, सुना है ऐसा, और टेस्ट भी किया था एक दो बार। तो नीचे से एक प्लेट साइड में लेते और चाय भी लिए गर्म गर्म दूध वाली। गर्म है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। 40 रुपीज़ की मेरे को प्राइस पड़ी, टोटली वर्थ इट है। तो भाई अभी कोई स्टेशन पे आए थे और प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी नीचे है ना, कौन सी सरहंद स्टेशन पे आए अभी निर्धारित समय से लगभग 4-4.5 घंटे की देरी के साथ, और प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो यहाँ पे, मतलब ये मेरे हिसाब से ना बहुत पुराने ज़माने का स्टेशन है, मीटर गेज स्टेशन होता होगा ये कभी कभी ज़माने में। बाकी यहाँ पे जब हाथ लगा रहा पूरा जम जा रहा है, इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, 10-11 डिग्री के आसपास है। सरहंद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपना डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे देखो लोगों को ट्रेन पकड़नी जनरल में जाने के लिए, तो भाग रहे लोग देखो, मतलब स्टेशन के छत के सामने से जा रहे, इतने पास है अभी हम। तो भाई ये है इस ट्रेन के स्लीपर कोच के हाल, क्लीनलीनेस देख सकते हो आप, दिखा नहीं पा रहे ये देखो। भाई अभी हम लुधियाना जंक्शन पहुंचने वाले हैं और थोड़ी सी मतलब बैगेज के कारण हम आ चुके हैं लुधियाना जंक्शन पे, और पंजाब के लुधियाना में आप सभी का स्वागत है। लुधियाना फेमस है अपने कपड़ों के और कपड़ों, स्वेटर्स, जैकेट्स, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। बाकी भीड़ देखो मेरे पीछे, ऐसा लग रहा है मुंबई में आ चुके हैं, रियली ऐसा लग रहा है मुंबई में आए, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मेरे पीछे है अमृतसर कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस, पता नहीं इसके ट्रेन का नाम नहीं पता, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है और ठंड तो है ही ज़्यादा यार, क्या ही गए। इसके लुधियाना के बाद अपना जलंधर हॉल्ट होने वाला है और जलंधर के बाद अमृतसर पहुंचने वाले। और को पैसेंजर्स बहुत ही अच्छे हैं, महाराष्ट्र के भी मिले हैं और पंजाब के भी लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब नेचर से बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। मतलब लुधियाना तक सफ़र कैसा कट गया ना पता नहीं चला। तो भाई अभी लुधियाना से भी निकलने का संकेत हो चुका है अपनी गाड़ी का, गाड़ी डिले इसलिए कम हॉल्ट है, वैसे तो 10 मिनट का हॉल्ट था, गाड़ी रुकी है 5 से 6 मिनट के टाइम के साथ ही लुधियाना से। यार भीड़ देखो यार, कितने सारी भीड़ है। बाकी यहाँ पे कोई तो अल्को ट्विंस के साथ पैसेंजर है, जो लुधियाना अल्को ट्विंस लगे थे वहाँ पर। अल्को ट्विंस के साथ सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आता है, बट क्या करें।
अरे पकड़। अरे पार्सल निकाल के फेंक दो जल्दी से। पूरा बैग ही दे दिया भाई डोमिनोज वाले ने। तो भाई गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगा कर रुकी है और ये धुंध देखो एक बार भाई, मतलब दिल्ली में भी इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी। मेरे हिसाब से कोई जानवर ने तो कुछ तो आया होगा सामने, इसलिए गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक। और ये देखो मैं भाप छोड़ूंगा, ये देखो कितनी सारी भाप है। ट्रेन हो जाएगी गायब धुंध में, थोड़े से आगे जाएगी दिखेगी भी नहीं हमें ट्रेन। तो भाई आ चुके हैं अभी फगवाड़ा में, फगवाड़ा जंक्शन में। भाई क्या बताऊं कितनी ज्यादा फॉग है भाई, फगवाड़ा से निकल चुके। भाई साहब तो अभी हम आ चुके हैं जलंधर में, और जलंधर फेमस है अपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है जलंधर। यहाँ पे क्रिकेट के बैट्स, बैडमिंटन के रैकेट्स, बॉल्स, बाद में बहुत सारी जो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, तो अगर आप कोई हॉबी एज अ हॉबी स्पोर्ट्स खेलते हो तो उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पर जलंधर में होता है एक्सपोर्ट। तो भाई हम निकल चुके हैं जलंधर से, और अरे यार यहाँ पे कुछ तो मिल जाता हमें, भूल गया, दिख ही नहीं जाता, फॉग इतना ज्यादा है भाई। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बियास स्टेशन पे, और बियास आता है, मतलब बियास इसके नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं से बियास करके नदी बहती है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन नदी है। और ये देखो भाई मेरे पीछे फॉग कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फॉग है भाई सोचो, और अलग ही मज़ा है भाई, बोलते हुए भी भाप निकल रही है। और ठंड का मैं तो हर स्टेशन में भाई बोल रहा हूँ ठंड ठंड, बट इतनी ज़्यादा है ही ठंड तो क्या ही कर सकते हैं यार। बाकी अपनी नांदेड़ अमृतसर नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस हो चुकी है लगभग 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 3-4 घंटा लेट चल रही गाड़ी, बट पंजाब में आते ही ना ठंड का माहौल बहुत ही अच्छा होता है यार। पंजाब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होती है पंजाब में। बाकी बियास, ये हमारा बियास जंक्शन है, यहाँ से तो यहाँ से हमें अमृतसर लगभग आधा घंटा लग जाएगा मेरे हिसाब से, अगर ट्रेन अच्छी रफ्तार में चली तो आधे घंटे के अंदर हम अमृतसर में पहुँच जाएंगे। अभी बियास जंक्शन से भी चल चुके हैं, अभी लोग यहाँ पर भी उतरे हैं, यहाँ से अमृतसर बहुत पास है, 35 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से वैसे।
इस फॉग में गाड़ी भी चलाने में कितना मुश्किल होता होगा यार। तो गाइस अभी कुछ ही समय में हम अपने गंतव्य यानी कि अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। और भाई इतनी ज़्यादा ठंड है, क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा ठंड है और भाप भी बहुत ज़्यादा निकल रही है। बाकी पहुंचते ही आपको मैं थोड़ी बहुत डिटेल शेयर करता हूं। ये देखो बाकी अभी शहर का एरिया पास हो रहा है, दिखेगा नहीं क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों अभी हम अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हैं जो कि अपना गंतव्य है, फाइनल डेस्टिनेशन है अपना। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि अमृतसर जंक्शन पे, पंजाब में आ चुके हैं फिलहाल। और अमृतसर में ठंड बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। बाकी सफ़र हमारा दिल्ली से अमृतसर बहुत ही अच्छा रहा। दिल्ली से अमृतसर आ रहे हो ना तो ये ट्रेन रिकमेंडेड है बिल्कुल। आज लेट थी इसलिए लेट पहुँचे, तो 9:30 के अराउंड पहुँच जाती है। बाकी वीडियो को यही पे एंड करता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपको मैं ऐसे नई ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।